स्टेशन की पहचान के दिलचस्प उदाहरण भाग दो। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन, जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छोटू और पिंकी घर की सफाई करने में माँ की मदद कर रहे हैं। छोटू, ये देखो तुम्हारी गणित की कॉपी मेज के ऊपर रखी है, इसे मेज के नीचे रख दो। छोटू ने अपनी गणित की कॉपी मेज के ऊपर से उठाकर मेज के नीचे रख दी। माँ, छोटू की पेंसिल का डिब्बा भी उसके बैग से बाहर रखा है। छोटू, तुम ये पेंसिल का डिब्बा जाकर अपने बैग के अंदर रख लो। छोटू ने वो पेंसिल का डिब्बा अपने बैग के अंदर रख लिया। पेंसिल का डिब्बा बैग में रखने के बाद उसने बैग बेड पर ही छोड़ दिया। छोटू, अपने बैग को बेड के ऊपर से उठाकर अलमारी के अंदर रख दो। ठीक है माँ। छोटू ने अपना बैग बेड से उठाकर अलमारी के अंदर रख दिया। उसके बाद वो लोग दूसरे कमरे की सफाई करने आ गए हैं। और इस कमरे में छोटू और पिंकी के सभी खिलौने नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। माँ ने उन्हें उनके खिलौनों का डिब्बा अलमारी के ऊपर से उतारकर दे दिया और कहा, बच्चों, अब तुम दोनों अपने सभी खिलौनों को इकट्ठा करके इस डिब्बे के अंदर डाल दो। छोटू और पिंकी ने अपने सारे खिलौने डिब्बे में डाल दिए और पूरे कमरे की सफाई कर दी। और फिर भी दोनों खेलने के लिए घर से बाहर चले गए। तो बच्चों, देखा आपने कैसे पिंकी और छोटू ने सफाई करते हुए अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन को बदला, जैसे कॉपी को मेज के ऊपर से उठाकर मेज के नीचे रख दिया और खिलौनों का डिब्बा अलमारी के ऊपर था। छोटू की माँ ने वो डिब्बा अलमारी के ऊपर से उतार कर नीचे रख दिया और छोटू और पिंकी ने डिब्बे के बाहर रखे खिलौनों को डिब्बे के अंदर रख दिया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन, जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों।